नमस्कार, द रूस्टर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आईसीयू में करुणानिधि, अस्पताल के बाहर समर्थकों के आंखों में हैं आंसू। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके के प्रमुख एम करुणानिधि की तबीयत बिगड़ गई है। शुक्रवार देर रात उन्हें कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती करने के कुछ ही देर बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि ब्लड प्रेशर की परेशानी के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, जहां डॉक्टर की एक टीम उनके इलाज में जुटी है। इधर करुणानिधि के अस्पताल पहुंचते ही बाहर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनके आंखों में आंसू हैं और वो करुणानिधि के ठीक होने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार गुरुमूर्ति ने बताया कि करुणानिधि को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। करुणानिधि के बेटे एम अलगिरी, एम के स्टालिन और बेटी कनिमोली भी अस्पताल पहुंचे। डीएमके नेता ए राजा ने कहा कि करुणानिधि की तबीयत अभी स्थिर है, आप किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। अब ताज़ा खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने उनके घर जा सकते हैं। कल रात से ही द रूस्टर न्यूज़ की तमाम टीम करुणानिधि के घर और कावेरी अस्पताल में जुटी हुई है। वहाँ की पल पल की खबर की रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। कल देर रात का हाल आप देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर तमाम वो लोग जो भी करुणानिधि के सपोर्टर्स हैं वो इनके घर के बाहर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वाल्ग 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 वे यंगल तलेवर वाल्ग वे। ये नारा जो है तमाम चेन्नई में कल रात से ही गूंजता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के जितने भी समर्थक हैं वो यही नारा लगा रहे हैं। इस नारे का मतलब है जो हमारे नेता हैं वो जिंदाबाद रहें, हमेशा आबाद रहें, उनको किसी भी तरह की दुख तकलीफ ना पहुंचे और वो सुरक्षित इस दुखद घड़ी से, इस पीड़ा से बाहर आ जाए। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये वो दृश्य हैं जो करुणानिधि के घर के बाहर ली गई है। देर रात 1:30 बजे करुणानिधि को उनके घर यानी गोपालपुरम से शिफ्ट किया गया कावेरी अस्पताल। उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उनको अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। कावेरी अस्पताल और उनके जो परिजन हैं वो बीच बीच पे आके उनके हालचाल की खबर बताते रहते हैं, मीडिया को, लोगों को ये समझा रहे हैं कि कृपया करके किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा ना करें। उनकी सेहत सुधर रही है, वो अभी अस्पताल में हैं, आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर के सपोर्ट पे हैं, लेकिन इसके अलावा भी, इसके बाद भी जो लोग हैं वो उनको भरोसा नहीं हो पा रहा है। वो चाहते हैं वो अपने नेता के पास ही रहें, डटे रहें कि जब तक वो बाहर ना आएँ, सुरक्षित सकुशल अपने घर ना पहुँच जाएँ। बने रहें हमारे साथ द रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। और जो करुणानिधि जी की खबर है ये भी हम आपके पास पल पल पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।